इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर में बॉयल और स्टीम करने के अलावा आप केक भी बेक कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे इंस्टेंटली बन जाने वाली यम्मी कपकेक्स, जो हम मल्टी कुकर में ही बनाने वाले हैं। केक बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर्ड शुगर, 1 कप मिल्क, 3 से 4 टीस्पून ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ड्राइड फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बोल में लेंगे हम 1 कप मैदा, इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इंस्टेंटली बैटर बनाने के लिए आप 2:1 रेशियो में मैदा और पाउडर शुगर को मिला के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। 2-3 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से रहना चाहिए। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इसको हम बैटर के साथ धीरे धीरे मिलाएंगे। आप इसमें कोई भी ड्राइड फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे कटा हुआ कैश्यू नट्स एंड आलमंड्स। केक बनाने के लिए हम छोटे छोटे स्टील बाउल में इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। इसमें सूखा मैदा को इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब बोल में बैटर को पोर कर लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा आलमंड और थोड़ा चॉकलेट को ऐसे घिस के डालेंगे। मल्टी कुकर का कनेक्ट करके हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। अब हमारे केक को पकने के लिए इसके अंदर 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा केक ठीक से पक चुका है कि नहीं। केक के बीच में से चाकू डालेंगे, अगर ये क्लियर आता है तो केक रेडी है। अब इसे निकाल के सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारा केक कितना फ्लफी एंड सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर न्यू रेसिपीज प्रेस द बेल आइकन।